हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। तो आज मैं आपके लिए बॉक्स लेके आया हूँ। तो NXT इंडिविजुअल का बॉक्स है, DTC 4030। दोस्तों इसमें रेड लाइट का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें रेड लाइट आ रहा है, तो दोस्तों मैं पहले चलेंगे बॉक्स को खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही गंदगी है दोस्तों। तो पहले हम चलेंगे इसको, इसका स्लॉट निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको निकाल लिया पहले। दोस्तों हम पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 3.3 क्लियर आ रहा है। देखिए दोस्तों, और ये 5 वोल्ट का होता है दोस्तों, ये हमारा 5 वोल्ट भी क्लियर आ रहा है। फिर उसके दोस्तों हमारा 1.2 का 1.2 भी क्लियर आ रहा है। 1.8 देखेंगे दोस्तों, ये भी हमारा क्लियर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक रेगुलेटर लगा हुआ है 5 वोल्ट का। ये देखिए 5 वोल्ट से ये जो आउटपुट होता है 3.3 के लिए दोस्तों, ये भी रेगुलेटर भी हमारा दोस्तों सही है। तो दोस्तों ये हमारा जो रीसेट है, ये रीसेट चेक करेंगे दोस्तों हम। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रीसेट का इनपुट हो गया, और ये दोस्तों हमारा आउटपुट हो गया। दोस्तों यहाँ से भी प्रॉब्लम सही है हमारा। दोस्तों हम एक बार वॉश करेंगे, क्योंकि ये CPU टच करने से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है दोस्तों। तो पहले वॉश करेंगे, फिर देखते हैं। दोस्तों हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं। आप दोस्तों लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करते दोस्तों। देखिए अभी हमने वॉश कर दिया है। थोड़ा सा ये ठंडा होएगा, हल्का सा, फिर चेक करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों हम चेक करेंगे एक बार। दोस्तों ये हमारा बॉक्स चालू हो गया है। तो ये जो हमारा गंदगी ज्यादा इसके ना दोस्तों, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अभी हम चेक करेंगे। ये हमारा 12 वोल्ट का था, यहाँ पे हमारा 3.3 5 वोल्ट का था, और यहाँ पे हमारा 1.2 1.8 3.3 का भी हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा इतना वोल्टेज होते हैं, तो ये तो हमारा क्लियर दोस्तों था। तो हमें लगा ये CPU का प्रॉब्लम था दोस्तों, हमने CPU को हल्का सा वॉश किया दोस्तों, तो ये चालू भी हो गया दोस्तों।
तो ये प्रॉब्लम कभी कभी यहाँ से भी आते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।